हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ का शीर्षक है सिपाही की माँ तथा जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं और समझते चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925। तो अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो मोहन राकेश का निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972। तो जन्म और मरण किसी भी लेखक का ये एग्जाम में पूछ ही देता है, तो इसे आप लोग याद कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। तो पंजाब एक राज्य है जो कि आप लोग जानते होंगे, और उसमें एक ज़िला अमृतसर है और उसमें एक गली है जंडी वाली गली, जहाँ मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। तो अब नेक्स्ट है, मोहन राकेश के माता पिता का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के माता पिता का नाम था बच्चन कौर एवं करमचंद्र गुगलानी। क्या नाम था? बच्चन कौर एवं करमचंद्र गुगलानी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे? मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे? तो वे पेशे से हकीम नहीं थे, वे अभियंता भी नहीं थे, वे चिकित्सक भी नहीं थे, वे एक वकील थे पेशे से। वे क्या थे? वकील थे। मोहन राकेश किस कार्यालय में नौकरी करते थे? तो मोहन राकेश सारिका कार्यालय में नौकरी करते थे, जो कि न्यूज़पेपर का कंपनी है, न्यूज़पेपर का नाम है। तो इसका संपादन भी उन्होंने ही किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उसका संपादन उन्होंने कब किया था। तो हम लोग देखते हैं सारिका का संपादन कब हुआ। तो सारिका का संपादन हुआ था 1965 में, जो कि मोहन राकेश के द्वारा किया गया। तो अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो वह एकांकी है, निबंध भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, भाषण भी नहीं है, यह एक एकांकी है। तब आगे हम लोग देखेंगे, मोहन राकेश किस युग के कवि थे? तो मोहन राकेश नेहरू युग के कवि थे? नहीं, वे नेहरू युग के कवि नहीं थे, वे उत्तरवर्ती युग के कवि थे। वे किस युग के कवि थे? उत्तरवर्ती युग के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग देखते हैं, मोहन राकेश किस सदी के लेखक थे? तो मोहन राकेश 18वीं सदी के लेखक थे? नहीं, वे 18वीं सदी के लेखक नहीं थे, वे 20वीं सदी के लेखक थे, 20वीं सदी के लेखक थे। तो अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश क्या थे? तो मोहन राकेश कथाकार थे। हाँ, वे कथाकार थे, नाटककार थे, वे नाटककार भी थे, उपन्यासकार नहीं, वे उपन्यासकार नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए तथा बी दोनों, वे कथाकार तथा नाटककार दोनों थे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन राकेश के पहले नाटक के क्षेत्र की प्रतिभा किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो मिलेगा कि उनसे पहले जयशंकर प्रसाद को नाटक क्षेत्र की प्रतिभा कहा जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद को। सॉरी, थोड़ा पीछे हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं, मोहन राकेश को के पहले क्षेत्र की प्रतिभा किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश को नाटक और रंगमंच की प्रतिभा के लिए किस पुरस्कार से सुसज्जित किया गया था? उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था? नहीं, उन्हें अखिल भारतीय ख्याति पुरस्कार दिया गया था नाटक और रंगमंच की प्रतिभा के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही की माँ मोहन राकेश के किस एकांकी संग्रह से ली गई है? आधे अधूरे नहीं, इससे नहीं ली गई है, ली गई है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अब हम लोग देखेंगे एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी की तुलना किससे की जाती है, सब आपको आगे के प्रश्नों में देखने को मिलेगा। तो एक अंक की सबसे छोटी रचना को क्या कहते हैं? तो ये तो कोई भी बता देगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकांकी कहते हैं। एक अंक की सबसे छोटी रचना को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, एकांकी की तुलना किससे की जाती है? एकांकी की तुलना किससे की जाती है? कविता से? नहीं, कविता से नहीं की जाती है। भाषण से? भाषण से भी नहीं की जाती है। तो किससे की जाती है?
कहानी से की जाती है, यात्रा वृत्तांत से भी नहीं की जाती है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार हैं, मतलब सिपाही की माँ सिपाही की माँ चैप्टर एक एकांकी है और इसके एकांकीकार हैं, मतलब इसके लेखक है। कौन है इसके लेखक? मोहन राकेश जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी तो नहीं हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं मानक पेशे से क्या था, ये बुक के अंदर का है। मानक पेशे से क्या था? चिकित्सक था? नहीं, मानक एक सिपाही था। मानक क्या था? सिपाही था। तो इसे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लें। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मानक की माँ का क्या नाम था? मानक की माँ का नाम मुन्नी था? नहीं, मुन्नी तो मानक की बहन का नाम था, मुन्नी मानक की माँ का नाम नहीं था। तो मानक की माँ का नाम क्या था? बिश्नी था। क्या था मानक की माँ का नाम? बिश्नी। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानक यहाँ सॉरी यहाँ मानव लिखा गया है, यहाँ इसे आप लोग सुधार सकते हैं, इसे आप लोग मानक कर लें। सिर्फ यहाँ वो को क बना दीजिएगा, उस मानक हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? प्रथम विश्व युद्ध में? नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में। हाँ, वह द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। वह किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है, किसकी रचना है? तो मोहन राकेश जी की रचना है आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें मैं टिक कर देती हूँ। आषाढ़ का एक दिन किनकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोहन राकेश की प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक है, प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक क्या है? सिपाही की माँ। जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? एकांकी की माँ। तब हम लोग सिपाही की माँ सॉरी सिपाही की माँ। तब हम लोग आगे देखते हैं बिश्नी कौन थी। तो बिश्नी कौन थी? बिश्नी तो मानक की माँ थी, मानक की बहन नहीं थी, मानक की पत्नी नहीं थी, मानक की माँ थी। तो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानक किस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था? श्रीलंका की लड़ाई में? नहीं, वो श्रीलंका की लड़ाई में लड़ने नहीं गया था, वो बर्मा की लड़ाई में गया था लड़ने अंग्रेजों के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। मानक किस चिंता से युद्ध पर जाता है? माँ की बीमारी? नहीं, उसके माँ की कोई बीमारी नहीं थी, उसके माँ को कोई बीमारी नहीं थी। तो गरीबी की वजह से? नहीं, मुन्नी का विवाह, उसकी बहन थी मुन्नी, उसके विवाह के लिए वो युद्ध पर जाता है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिश्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो बिश्नी को किसकी प्रतीक्षा है? डाकिया की? नहीं, अपने पुत्र मानक की, जो युद्ध पर लड़ने गया है। तो उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा हमेशा करती रहती है, और उसे उसकी ही प्रतीक्षा अपने पुत्र मानक की, जो कि युद्ध पर गया है लड़ने। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में मोहन राकेश की रचना नहीं है। तो निम्नलिखित में मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं? तो हम लोग देखते हैं कि मोहन राकेश की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो आषाढ़ का एक दिन, ये तो मोहन राकेश की ही रचना है, जो कि आप लोग पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। लहरों के राजहंस, ये भी मोहन राकेश की ही रचना है। तो क्या है? अंधेर नगरी उनकी रचना नहीं है, अंधेर नगरी मोहन राकेश की रचना नहीं है, आधे अधूरे भी मोहन राकेश जी की ही रचना है। तो अब हम लोग देखते हैं बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिश्नी जो कि मानक की माँ है, वो मानक को लड़ाई पे क्यों भेजती है? मानक पहलवान था? नहीं, तो वह क्यों भेजती है? पैसा कमाने के उद्देश्य से भेजती है। किस उद्देश्य से? पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रस्तुत कहानी सिपाही की माँ किस वर्ग की है? तो ये किस वर्ग की है? ये निम्न मध्य वर्ग की है। किस वर्ग की है? निम्न मध्य वर्ग की, उच्च वर्ग की नहीं है। तो मानक की, यहाँ फिर से मानव है, इसे आप लोग मानक बना लें। तो मानक की बहन का क्या नाम था? तो मानक की बहन का नाम मुन्नी था, अमृता नहीं था, उसकी बहन का नाम मुन्नी था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। मानक की बहन का नाम क्या था? मुन्नी था। तो इसे आप लोग याद कर लें। तब हम लोग आगे देखते हैं। नए बादल, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? नहीं, जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है, ये मोहन राकेश जी की रचना है। किनकी है? मोहन राकेश जी की रचना है। तो ये चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है कि मुन्नी की उम्र क्या है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी की उम्र क्या है। तो आप लोग बुक पढ़िएगा तो मिल जाएगा कि मुन्नी की वर्ष 14 वर्ष है। मुन्नी की उम्र कितनी है? 14 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 34, कुंती कौन है? तो ये भी बुक के अंदर का ही क्वेश्चन है। कुंती कौन है? मानक की पत्नी नहीं, वो मानक की पत्नी नहीं है, मुन्नी की सहेली नहीं, वो मुन्नी की भी सहेली नहीं है। तो कौन है? वो बिश्नी की पड़ोसी है। बिश्नी जो कि मानक की माँ है, उसी की पड़ोसी है कुंती। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, सिपाही की माँ एकांकी में कितने दृश्य है? तो ये इसमें दो दृश्य हैं, दो दृश्यों के बाद पर्दा गिर जाता है, बुक आप लोग पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो मानक अपनी बहन मुन्नी के लिए क्या लाने का वादा करते हैं, मतलब क्या लाएगा? तो साड़ी और मेहंदी नहीं, वे जब जाता है लड़ने युद्ध पे तो अपने बहन से वादा करता है कि वे उसके लिए जब आएगा तो कड़े और चूड़िया लाएगा। क्या लाएगा? कड़े और चूड़िया लाएगा, लहंगा नहीं वे नहीं लाएगा, वे कड़े और चूड़िया अपनी बहन के लिए लाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने उपस्थित की हूँ, इस चैप्टर का निचोड़ है, उसके अंदर की पूरी पूरा क्वेश्चन इसमें समाहित है, इसके अलावा एग्जाम में कहीं और से नहीं पूछ सकता। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।